तड़का थैंक यू अविनी, नवरात्रि के ओकेजन पे कुछ बोलना चाहोगे टेली तड़का के दर्शकों को? जी हाँ, एक सबसे पहले तो मैं टेली तड़का के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि खूब मज़ा कीजिए, क्योंकि 9 दिन साल में बस एक बार ही आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी टाइम है, अपने लहंगे पहनिए और जाइए, खूब मस्ती कीजिए, खूब डांस कीजिए, बस सेफ रहिए और म्यूज़िक थोड़ा लो। हाउ यू सेलिब्रेट नवरात्रि? आई मीन यू प्ले गरबा? आई डोंट रियली प्ले गरबा, आई एम अ शाय पर्सन दैट वे। मैं बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, बट आई लव टू वॉच, आई लाइक ड्रेसिंग अप एंड गोइंग टू पार्टीज। आई गेट ड्रैग्ड इनसाइड और करना पड़ जाता है, सब मुझे खींच के ले जाते हैं, बट मुझे वैसे बहुत शर्म आती है क्योंकि इतने सब लोग होते हैं और सब गालियाँ कर रहे होते हैं, गरबा कर रहे होते हैं। बट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, हम व्रत रखते हैं, आरती होती है, ये सारी चीज़ें, आई जस्ट लव इट। ये तो हुई नवरात्रि की बातें, बट रुखसाना के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। रुखसाना इज अ मुस्लिम कैरेक्टर, तो रुखसाना बड़ी फन लविंग लड़की है, खुद गर्ल्स लड़की है, मुस्कुराती रहती है, सबकी मदद करती है और पटाखा है। अच्छा, तो वो शी इज गॉट अ स्पार्क इन हर, किसी को दुखी, किसी को उदास, किसी को लो ऑन एनर्जी नहीं देख सकती। अच्छा, तो अभी किसकी हेल्प कर रही है फिलहाल? फिलहाल तो वो किसी की हेल्प नहीं कर रही है, एक्चुअली रुखसाना इस वक्त थोड़ी सी परेशान है, तो फिलहाल रघु उसकी हेल्प कर रहा है, जो कि रुखसाना नहीं चाहती थी कि वो किसी को बताए कि वो परेशान है, बट कोई बात नहीं, दोस्त होते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो बट ऐसे परेशानी की वजह क्या है? अब वो वजह तो आपको सीरियल देख के पता चलेगी, बट बाकी हमारी दोस्ती है। बट आप हमें बताइए कि रुखसाना और विनी कितने अलग अलग है या कितने सेम है? कुछ कुछ पॉइंट्स में हम सिमिलर हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स में हम एकदम अलग हैं। जैसे मैं पर्सनली थोड़ी सी शाय हूँ, मैं अपने लोगों के साथ जब होती हूँ तब मैं रुखसाना की तरह होती हूँ, एकदम ऑन माय ओन, लेकिन जब दो चार लोग एक्स्ट्रा जाते हैं तो मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। रुखसाना इज़ अ फ्लर्ट, रघु के साथ बहुत फ्लर्ट करती है और मैं पर्सनली फ्लर्ट नहीं हूँ। और रुखसाना अदरवाइज बहुत पॉजिटिव है, मुस्कुराती रहती है, जैसे कि मैं विनी, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, मज़े करती है, खुश रहती है, हाई ऑन स्पिरिट्स है। जैसे कि हमें पता है कि आप अभी बाद में आई हैं, मतलब तो ये सेट का माहौल वगैरह कैसा लगता है आपको? माहौल एक्चुअली बड़ी फनी सी बात है, जब मैं पहले दिन आई थी तो बड़े आराम से हम सब सेटल हो गए, निकिता और मैं, हम आई थिंक हम ज़रा भी टाइम नहीं लगा, वरना नए नए को एक्टर्स होते हैं और मैंने तो सुना था अब लड़कियाँ को एक्टर्स पता नहीं दोस्त बनती नहीं बनती हैं, बट आई थिंक मी एंड निकिता वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं अयास को थोड़ा पहले से जानती थी और हमने डांस सीक्वेंस किया साथ में आते ही, तो दोस्ती तो होनी थी। एनी फनी इंसिडेंट यू रिमेंबर, समथिंग लाइक फ़नी? तो सो मैनी फ़नी इंस्टेंसेस, हम डांस वांस किया हमने साथ में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, हम स्टेप्स भूले, एक दूसरे के ऊपर गिरे, एक दूसरे के पैर पे स्टैम्प कर दिया, मैंने तो अयास के पैर पे इतनी बारी अपनी हील्स मारी हैं कि बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक डांस करके उसके पैर इतने नहीं दुख रहे होंगे कि मेरे लाते खड़ा के उसके पैर दुख रहे थे। ओके, और आपको किस तरह के रोल करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम रुखसाना? मुझे एक्चुअली मुझे एक्टिंग पसंद है, तो आप मुझसे जैसे चाहे रोल करवा लीजिए, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी, बस मुझे थोड़े नेगेटिव रोल्स ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं खुल नहीं पाती, इतना ऐसे एक्टिंग नहीं होती मुझसे से रैंप वाली, तो मुझे लगता नहीं कि मैं जस्टिस कर पाऊँगी, तो इसलिए शायद मैं नेगेटिव रोल ना करूँ। एनी ड्रीम कैरेक्टर और समथिंग? सी आई
ड्रीम कैरेक्टर आई हैव एक्चुअली प्लेड माय ड्रीम कैरेक्टर आई वाज डूइंग अ शो कॉल्ड आठवां वचन फॉर सोनी एंड आई प्लेड द मेन लीड ऑफ द शो एंड इट वाज अ मेंटली चैलेंज्ड गर्ल सो इट वाज 3 years बैक एंड आई थिंक दैट वाज माय ड्रीम कैरेक्टर मतलब काश you know वो दोबारा भी आ जाता but I think it was the toughest but I it gave me a chance to prove myself and now message for your fans message for my fans is nothing keep watching me keep giving me your love keep giving our show your love